हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में 8 से लेकर 14 अक्टूबर 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सारे करंट अफेयर्स जो आप देख रहे हैं, ये आने वाले आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन सभी करंट अफेयर्स को याद ही कर जाना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेयर डिड द मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ क्वाड ग्रुप कंट्रीज जापान द यूनाइटेड स्टेट्स ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया हेल्ड इन अक्टूबर 2020। तो अक्टूबर 2020 में जो है क्वाड समूह के देशों जैसे कि जापान, एक्चुअली में ये क्वाड ग्रुप है क्या, ये फोर नेशंस का ग्रुप होता है, ठीक है, जिसमें आपको जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये चारों देश शामिल हैं, ठीक है, जिसका कॉन्सेप्चुलाइज कब हुआ था, 2007 में हुआ था। तो ये इसकी बैठक कहाँ हुई है, ये इसकी बैठक जो है टोक्यो में हुआ है, ठीक है। तो भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, तो उन्होंने इस बैठक में हिस्सा लिया था। टोक्यो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम इन ऑल द 14,000 ग्राम पंचायत इन द स्टेट। तो किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी 14,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है, तो ये निर्णय लिया है गुजरात सरकार ने, ठीक है। विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर उमर अल रजाज हैज रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट। तो किस देश के प्रधानमंत्री उमर अल रजाज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो ये जॉर्डन के प्राइम मिनिस्टर थे। Who has been appointed as the fourth RBI deputy governor? तो चौथे RBI deputy governor के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम है M. राजेश्वर राव। Next question, who has been given additional charge of Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution? तो कौन बने हैं, किसको additional charge दिया गया है, Ministry of Consumer Affairs का, Food and Public Distribution का, ये actually में Minister of Railway भी हैं, तो पीयूष गोयल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज पास्ड अ ट्री प्लांटेशन पॉलिसी, ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी। तो किस राज्य सरकार ने एक वृक्ष प्रत्यारोपण नीति पारित किया है, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये किया है। विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड नॉन इनवेसिव बैंडेज टू ट्रीट स्किन कैंसर। तो किस संस्थान ने जो है त्वचा कैंसर के इलाज के लिए गैर इनवेसिव पट्टी विकसित की है, तो ये आपको IISc बेंगलुरु, ठीक है। IISc का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलोर में है। तो यही जो इंस्टीट्यूट है जिसने आपको नॉन इनवेसिव बैंडेज डेवलप किया है ताकि वो ट्रीट कर सके स्किन कैंसर को। एज पर द लेटेस्ट RBI मॉनिटरी पॉलिसी, हाउ मच इज रेपो रेट क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो रेपो रेट अभी प्रेजेंट टाइम पे कितना है, 4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द नोबेल पीस प्राइज 2020। तो 2020 के लिए नोबेल पीस प्राइज किसको दिया गया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 2000। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीस प्राइज किसको मिला है 2020 का, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। तो ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका हेड क्वार्टर आपका रोम, इटली में है, ओके। कब गठन हुआ था, तो 1961 में इसका गठन हुआ था। वॉट इज द नेम ऑफ द एंटी रेडिएशन मिसाइल डेट वॉज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाई DRDO ऑन October 9, ठीक है। तो उस एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम पूछा गया है आपसे, जो सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड हो चुका है DRDO के द्वारा 9 अक्टूबर को, राइट आंसर क्या होगा, रुद्रम आपका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड साइट डे 2020, 2020 का वर्ल्ड साइट डे का थीम क्या था, होप इन साइट जो है आपका करेक्ट आंसर है। विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर हैंडेड हिज पावर टू अ 16-year-old गर्ल एज अ पार्ट ऑफ ए कंपेनिंग टू प्रमोट गर्ल्स राइट इन द कंट्री, ठीक है। किस देश के प्रधानमंत्री ने लड़कियों के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान के तहत 16 वर्ष की लड़की को अपनी शक्ति सौंपी थी, तो फिनलैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिनलैंड के अगर हम बात करें कैपिटल की, तो हेलसिंकी है, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है शना मरीन,
ठीक है, शना मरीन, इन्होंने ही जो है अपनी जो पावर है वो 16 इयर्स ओल्ड गर्ल को दे दी थी, ओके, ताकि ये दिखाया जा सके, ये एक तरह का कंपेनिंग था ताकि वो प्रमोट कर सके गर्ल्स के राइट को, अधिकार को। फिनलैंड आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट हर घर जल स्टेट इन द कंट्री बाय प्रोवाइडिंग टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। तो प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का जल कनेक्शन प्रदान करके कौन सा राज्य जो है देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है? एंड द राइट आंसर इज, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, दिल्ली जो है आपका करेक्ट आंसर है, सॉरी दिल्ली, गोवा यहाँ पर आपका राइट आंसर है। ठीक है, गोवा, गोवा का कैपिटल कहाँ है? पणजी जो है गोवा का कैपिटल है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द फर्स्ट डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिंत्रा टू स्ट्रेंथन इट्स डिजिटल प्रेजेंस। तो कौन बने हैं ब्रांड एम्बेसडर और उनका नाम है भुवन बान जो है आपका राइट आंसर है। इनको आप सभी लोग जानते होंगे, मोस्ट फेमस यूट्यूबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज चूजन टू प्रमोट द इंडियाज फर्स्ट एवर होम ग्राउंड प्रोफेशनल बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म डेट वॉज लॉन्च रिसेंटली। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? चेतन आनंद करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2-day half-yearly कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच वॉज हेल्ड अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ विच 2 state? तो किस 2 state के कोस्ट के बगल में हुआ है ये, तटों पर आयोजित किया गया है? तो केरला और कर्नाटका आपका राइट आंसर हो जाएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड। ठीक है, तो कौन बने हैं, किसको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में? तो मनोज कुमार आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर एंड एडवाइजर ऑफ अडल, अ दिल्ली बेस्ड स्पोर्ट्स टेक एंड इवेंट स्टार्टअप। तो किसे अपॉइंट किया गया है एज ए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में? तो अजंक्या रहाणे आपका करेक्ट आंसर है। वेन इज गंगा रिवर डॉल्फिन डे सेलिब्रेटेड ईच ईयर? तो गंगा रिवर डॉल्फिन डे हर साल किस डेट को होता है? तो ये होता है 5 अक्टूबर को। क्या होगा? 5 अक्टूबर करेक्ट है। हु हैज स्टेप डाउन एज द प्रेसिडेंट ऑफ वॉल्ट डिज्नी कंपनी APAC एंड चेयरमैन ऑफ स्टार एंड डिज्नी इंडिया इफेक्टिव एज ऑफ दिसंबर 31st 2020? तो 31 दिसंबर 2020 से वॉल्ट डिज्नी कंपनी APAC के अध्यक्ष और स्टार एंड डिज्नी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पद से हट जाएंगे। तो उनका नाम क्या है, कौन हट जाएंगे? और राइट आंसर होगा आपका उदय शंकर जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ 450 मीटर लॉन्ग नेपचू टनल इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटरीज? तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर है। Which is फर्स्ट स्टेट या यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया टू गो डिजिटल इन पब्लिक एजुकेशन? तो सार्वजनिक शिक्षा में डिजिटल करने वाला भारत में पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? ये होगा आपका केरला। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल बिटेन और ब्रोकन इनफॉर्मेलिटी एंड COVID-19 इन साउथ एशिया? वर्ल्ड बैंक आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। और इसका गठन कब हुआ था वर्ल्ड बैंक का? तो वर्ल्ड बैंक का गठन हुआ था जुलाई 1944 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अप्रूव द यूज ऑफ ड्राउट एसिस्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड वीट? राइट आंसर होगा आपका अर्जेंटीना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया टू ओवरटेक चाइना एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट LPG रेसिडेंटल मार्केट बाय विच ईयर? तो भारत जो है किस वर्ष तक दुनिया के सबसे बड़े LPG आवासीय बाजार के रूप में चीन से आगे निकल जाएगा? 2030 आपका करेक्ट आंसर है, 2030 तक आगे निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जिम बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया हैज क्रेडिटेड 310 मिलियन US डॉलर टू विच कंट्री टू फिनांस रिपावरिंग ऑफ हवांग थर्मल पावर स्टेशन? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जिम्बाब्वे आपका करेक्ट आंसर है। इंडिया विल वर्क टूवर्ड्स द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द विटिप
विट वे पोर्ट इन विच कंट्री, तो भारत जो है किस देश में जो है विट वे पोर्ट के परिचालन की दिशा में कार्य करेगा, तो इस किस दिशा में कार्य करेगा, राइट आंसर क्या होगा यहां पे आपका, म्यांमार आपका करेक्ट आंसर है। क्रिकेटर जो है नजीब तारकई का निधन हो गया है, ये किस कंट्री से खेलते थे, राइट आंसर होगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नसीब पठान उनका भी निधन हो गया है, वो पेशे से क्या थे, किस प्रोफेशन से वो जुड़े थे, तो वो एक प्रख्यात पॉलिटिशियन थे। नेम द इंडियाज फर्स्ट बिजनेस टू बिजनेस क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एक्सचेंज विच बिगेन इट्स ट्रेडिंग ऑपरेशन इन अक्टूबर 2020, तो इसका नाम क्या है, DGTX जो है आपका इसका नाम है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, बाकी नेक्स्ट आपका जो है वीकली करंट अफेयर्स कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।